फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये PIL दायर की कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द 4G इंटरनेट चलाया जाए। उन्होंने कहा कि 4G इंटरनेट का जम्मू कश्मीर में ना होना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 21A और कुछ और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है। ये भी कहा गया कि आर्टिकल 19(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ही राइट टू इंटरनेट को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार को एक नोटिस जारी किया और उस नोटिस में ये जवाब मांगा कि अभी तक 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चलाया गया है। इस नोटिस का जवाब जम्मू कश्मीर की सरकार को अगले 2 दिनों तक देना है। एक हफ्ते का समय मिला था क्योंकि नोटिस इशू हुए 5 दिन गुजर चुके हैं। अब 2 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार को सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट क्यों नहीं चला। पास्ट एक्सपीरियंसिस की अगर बात करें तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होनी होती है तो उससे पहले ही फैसला ले लिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जो PSA के मामले में सुनवाई होनी थी उससे पहले ही उनका PSA रिवोक हो गया। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने पर आता है तो वो पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को लेकर जम्मू कश्मीर में फैसला दिया वो जम्मू कश्मीर सरकार के हित में नहीं था। यानी कि ये कहा गया कि राइट टू इंटरनेट जम्मू कश्मीर के लोगों का फंडामेंटल राइट है और साथ ही में ये भी कहा गया कि एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे इंटरनेट के ना होने की वजह से, इसीलिए इनडेफिनेटली तो कम से कम जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। इसके चलते जम्मू कश्मीर की सरकार ने लूपहोल्स निकाले और वो लूपहोल्स ये थे कि हर हफ्ते या हर 11 दिन के बाद एक ऑर्डर आता था और उस ऑर्डर में ये बताया जाता था कि क्या इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू होंगी, कितनी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, किन किन जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्या प्रीपेड इंटरनेट चलेगा, पोस्टपेड नहीं चलेगा, प्रीपेड नेटवर्क्स के ऊपर इंटरनेट चलेगा, पोस्टपेड के ऊपर नहीं चलेगा, या पोस्टपेड के ऊपर चलेगा, प्रीपेड के ऊपर नहीं चलेगा। ये पहले एक वाइट लिस्ट भी आई तो कहा गया कि भाई सिलेक्टिव वेबसाइट्स हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो, 144 वेबसाइट्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। धीरे धीरे उनका नंबर बढ़ाते हुए 1000 कर दिया गया। जब उस पर भी सवाल उठाए गए कि ये जो वाइट लिस्ट है ये नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट करती है, जबकि इंडिया में वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट नेट न्यूट्रलिटी लॉज ट्राई ने एनफोर्स करवाए हैं, और इसके चलते जो है वो वाइट लिस्ट भी जो है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद 2G इंटरनेट चला दिया गया सोशल मीडिया के साथ। उसके बाद जो ऑर्डर्स आए, हर बार ये देखने को मिला कि जब भी ऑर्डर आना होता था, यानी कि या तो 4G इंटरनेट को बहाल होने का ऑर्डर आना होता था या 2G इंटरनेट एक्सटेंड होने का ऑर्डर आना होता था, तो ये देखने को मिला कि उससे पहले ही एक माहौल जैसा बनना शुरू हो जाता है। या तो जो ब्यूरोक्रेटिक पोजिशन पर बैठे हुए लोग हैं वो कोई ऐसे बयान देना शुरू कर देते थे, या फिर कभी IG कश्मीर कहते थे कि भाई क्राइम हो रहा है इंटरनेट का इस्तेमाल करके, साइबर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, इसके चलते हमें लगता है कि अभी 4G इंटरनेट नहीं चलाना चाहिए। या एक मामला वो भी बना जब बन टोल प्लाजा तक आतंकी पहुंच गए और आतंकियों ने वहां पर हमला किया और उसके फौरन बाद DGP दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि टेररिस्ट्स ने VPN का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आप देखें, उसके बाद हर हफ्ते जब ऑर्डर आना होता था, लास्ट हफ्ते की मैं बात करूं कि जब 2G इंटरनेट एक्सटेंशन का ऑर्डर आया 3 अप्रैल को, माफ़ कीजिएगा, तो ये देखने को मिला कि उसमें डोमिसाइल भी मेंशन किया गया था एक पॉइंट, जिसके चलते जो है 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में नहीं चलाया गया। कहा कि इस नए डोमिसाइल के चलते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है जम्मू कश्मीर में, पीस जो है वो पीस जो पीसफुल सिचुएशन इस वक्त है वो भी बदल सकती है और इसके चलते जो है इंटरनेट हम फिलहाल नहीं चला सकते। उसके कुछ ही देर बाद ये देखा गया कि डोमिसाइल का ऑर्डर भी जो है नया ऑर्डर आ गया और उसके चलते जो जम्मू कश्मीर के लोगों के माइंड में रिजर्वेशंस थी उन्हें भी एड्रेस कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेट को लेकर नया ऑर्डर नहीं आया। तो अब देखना यह है कि आज दोबारा से ऑर्डर आना है कि क्या जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट चलेगा या 4G इंटरनेट चलेगा। लेकिन ऑर्डर आने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि फिर से वही माहौल बनना शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये कहा कि फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और उन फेक प्रोफाइल्स पर ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट चलने वाला है, ये जितने भी लोग हैं जो ये फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर IG कश्मीर ने भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल फेक न्यूज़ फैलाने के लिए किया जा रहा है,
तो जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट के ऊपर काबू करने की ज़रूरत है। पर अगर इसे हम दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भी देखने को मिला कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हों, अश्विनी चुरंगू हो, प्रिया सेठी हो, या उसके अलावा और भी कई लीडर्स हों, उनका ये कहना है कि अब तो कम से कम इंटरनेट जो है जम्मू कश्मीर में रिस्टोर, 4G इंटरनेट, हाई स्पीड 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो जाना चाहिए। वहीं साथ ही में अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो जिस वक्त पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 के साथ लड़ रहा है, उस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रहे डॉक्टर्स ने भी यही गुहार लगाई कि हाई स्पीड 4G इंटरनेट ना होने की वजह से उन्हें भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते इंटरनेट जो है रिस्टोर हो जाना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन असगर सामून ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं लॉकडाउन के चलते अपने घरों में हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस हैं और इतनी लो स्पीड पर वो ऑनलाइन बुक्स भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं इस समय जिस समय लॉकडाउन है हर कोई अपने घरों में है और घरों में बैठकर आप करना कुछ प्रोडक्टिव चाहते हैं लेकिन आपके पास जरिया नहीं है। जरिया इसलिए नहीं है क्योंकि 2G इंटरनेट के ऊपर आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करें या फिर ऑनलाइन लेक्चर स्ट्रीम करें या जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो सरकार ने भी बनाई हैं, चाहे मैं स्वयं की बात करूं, UGC की बात करूं, तो उन्होंने भी जो कोर्सेज ऑनलाइन डाले हुए हैं वो भी एक्सेस कर पाना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुश्किल है क्योंकि 2G इंटरनेट के ऊपर PDFs डाउनलोड करना, ऑनलाइन लेक्चर स्ट्रीम करना, वीडियो स्ट्रीम करना बहुत ही मुश्किल है। इस बात की आयरनी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आप भी जम्मू कश्मीर में हैं, इस वीडियो को 2G इंटरनेट पर ही शायद से देख रहे हैं और बात ये हो रही है कि क्या आज जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट ही एक्सटेंड किया जाएगा या 4G इंटरनेट चला दिया जाएगा। तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होनी होती थी या जम्मू कश्मीर की सरकार को लगता था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी या जो बात करेगी वो हमारे हित में नहीं होगी, तो पहले ही फैसला ले लिया जाता था, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के केस में हुआ। या दूसरी ओर जैसे कहा जाता था कि जब भी इंटरनेट कॉर्नर आना होता है उससे एक दो दिन पहले ही ये बात फैलना शुरू हो जाती कि भाई फेक न्यूज़ बड़ी फैल रही है आजकल, या फिर जो है आतंकी हमले हो रहे हैं, या एक कारण है या दूसरा कारण है जिसके चलते कोई ना कोई जो है पॉइंट मिल जाता था जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को 2G इंटरनेट ही एक्सटेंड करने का। तो 50-50 चांसेस लग रहे हैं, ऐसा देखने को लग रहा है कि क्या पता 2G इंटरनेट ही एक्सटेंड हो, लेकिन हो भी सकता है कि 4G इंटरनेट रिस्टोर कर दें। अगर आज 15 अप्रैल को 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं होता तो बिल्कुल दो दिन बाद 17 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल को ये जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स इस वक्त फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने अपनी PIL में उठाए हैं कि जिन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन जम्मू कश्मीर में हो रही है, आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार के क्या, जम्मू कश्मीर की सरकार उस पर क्या जवाब देगी कि क्यों वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन अलाउ की जा रही है, क्या ग्राउंड्स है जम्मू कश्मीर की सरकार के पास। अभी भी अब लगभग 9 महीने हो चुके हैं, क्या ग्राउंड्स है जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कि अभी तक भी हाई स्पीड 4G इंटरनेट जो है जम्मू कश्मीर में नहीं चलाया गया। तो अगर तो जो भी ऑर्डर निकल कर आता है आपके साथ स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस अपडेट से मुझे पल्लवी सीरिन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।